फिरोज तुम यहीं रुको। अब आप फिर उसी मसले पर आ गए, मैंने पहले भी आपको रोका था। देखो ज़हीर, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने का मुझे पूरा हक है, और दूसरा निकाह करके तुम गुनाह थोड़ी करोगे। तारीख गवाह है, यह रवायत तो सदियों से चली आ रही है। मेरी बात मानो, इस तरह घुट घुट कर जीने से घर को वारिस नहीं मिलेगा। नसरीन, आप ऐसी बातें करना छोड़ दीजिए। आपको अंदाजा है कि नसरीन के दिल पर क्या गुजरेगी? देखो ज़हीर, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। आज मैं तुम्हें बता दूंगी कि रुखसाना को मैं यहां क्यों लाई हूं, क्योंकि बहू बेगम से तो घर को वारिस कभी नहीं मिलेगा। लो ताहिरा बेगम, पढ़ लो। मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो। तुम क्या पढ़ोगी? लाओ, मैं ही तुम्हें पढ़कर बताती हूं। ये है वो रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट रिपोर्ट, और ये है वो तमाम रिपोर्ट की फाइल जिसमें डॉक्टर ने बताया है कि मैं मां बनने वाली हूं। और ये है वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जिसमें लिखा है कि मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा है, और वो भी इस घर का वारिस, यानी कि लड़का। ताहिरा बेगम, लड़का। क्या हुआ ताहिरा बेगम, सांप सूंघ गया या पांव तले की जमीन खिसक गई? एक और झटका दूं मैं आपको? मैंने तो अपने बेटे का नाम भी रख लिया है। बेटे का नाम? हाँ ताहिरा बेगम, मैंने अपने बेटे का नाम रखा है नसीर। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बताती हूं। नसीर का मतलब होता है नसरीन, और सही